बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। तुम्हारी विजय में ही हमारे सारे समाज की विजय है कर्ण। नहीं वृषाली, महामहिम की पराजय में हमारे समाज की विजय है। महामहिम भीष्म की पराजय में हमारे सारे समाज की पराजय है। राजकुमार अर्जुन उचित कह रहे थे, यदि भ्राताश्री आजीवन कारावास में चले गए तो उनके साथ उनका संघर्ष भी कारागार में बंद हो जाएगा और साथ में हमारी सारी आशाएं। राजकुमार अर्जुन उचित कह रहे थे, बलिदान बकरे का होता है, सिंह का नहीं। किंतु उपाय क्या है शोन? कर्ण प्रण ले चुका है। उपाय है मेरे पुत्रों, उपाय है। पुत्र शोन, मुझे स्मरण है, सत्य वचन। पुत्र शोर, क्या कोई बकरा नहीं जो सिंह का स्थान ले सके? पात महामहिम, क्या आप परीक्षा हेतु सज्ज हैं महामहिम? परीक्षा देने के लिए या परीक्षा लेने के लिए? जो भी आप उचित समझें, आपका सारथी सज्ज। Oh,
बुद्ध है मेरा पुत्र, उस पर दया कीजिए। तुम्हारा पुत्र अबुद्ध नहीं है अधिरथ, ना ही दया का अभिलाषी। सम्मान मांगने वाले को दया का दान देना, इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है? तपे हुए लोहे पर प्रहार की आवश्यकता है, उस पर जल छिड़कने से वो टूट सकता है। मैं तुम्हारी परीक्षा शीघ्र ही लूंगा। पधारिए गुरुद्रोण। संत पंचमी के पावन पर्व पर मैं हस्तिनापुर की समस्त प्रजा को निमंत्रण देता हूं, उनका इस उत्सव में स्वागत करता हूं। वीणा वादनी, धवल धारणी, विद्या की देवी मां सरस्वती की स्तुति कर। हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र के आदेश पर मैं ये घोषणा करता हूं, गुरुवंश के 105 राजकुमारों की शिक्षा और दीक्षा का दायित्व स्वयं गुरु द्रोण ने स्वीकार किया है। हम आपके बहुत आभारी हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार का नाश करने वाला, जो अपने शिष्यों को प्रकाश की ओर ले जाता है। जो शिक्षा की ज्योत जगाने, हस्तिनापुर के भविष्य को उज्जवल बनाने और कुरुवंश के राजकुमारों को राजतंत्र से परिचित कराने, उसके अंग अंग का ज्ञान देने, बसंत पंचमी के पश्चात गुरुकुल की ओर उनके साथ प्रस्थान करेंगे।
द्रोणाचार्य की, गुरु 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 द्रोणाचार्य की। नगर जनों, बसंत पंचमी के इस उत्सव पर कुरुवंश के कोने कोने से आए हुए वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ वेदी के निकट मंत्र गान से देवताओं की स्तुति करेंगे। तथा मेरे सारथी अधिरथ का पुत्र कर्ण स्नातक होने की आशा से रथ चलाने की परीक्षा देगा। का परीक्षक बन के स्वयं मैं उसके रथ पर प्रवास करूंगा। शोन, तुम अपने निर्णय पर दृढ़ हो? एक बार फिर विचार कर लो। विचारों का निर्णय से कोई संबंध नहीं होता मित्र उत्तम, विचार मन करता है और निर्णय हृदय लेता है। किंतु शोन, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारे जीवन को कठिन बना देगा मित्र। नहीं मित्र, मेरा निर्णय मेरी मृत्यु को सरल बना देगा। चलो। से पूर्व मृत्यु का भी कोई लाभ नहीं होता। अब इतना बड़ा निर्णय ले ही चुके हो तो सही समय की प्रतीक्षा करो। जब मैं इंगित करूं तभी तुम अपना कार्य करोगे। यदि उससे पूर्व तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ तो तुम्हारे भ्राता श्री का क्रोध तुम्हारी योजना को विफल कर सकता है। किंतु तुम्हारी योजना क्या है, हमें भी तो बताओ। शीघ्र ही जान जाओगे।
हृदय से लगाने का अवसर कदाचित नहीं मिले पुत्र कर्ण। स्मरण है जब हस्तिनापुर में तुम प्रथम बार आए थे, मैंने तुमसे क्या कहा था? आज इस नगर को तुम देख रहे हो, शीघ्र ही ये सारा नगर तुम्हें देखेगा। नगर जन तुम्हें देखकर कहेंगे, देखो वो जा रहा है अधिरथ पुत्र कर्ण। अधिरथ पुत्र कर्ण, परीक्षा देने उपस्थित हो। जाओ अधिरथ पुत्र कर्ण, परिवर्तन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ। महिम भीष्म, गणिपाद, मैं परीक्षा देने हेतु सज्ज हूं। महामहिम, क्या मुझे परीक्षक के चरण स्पर्श करने का अवसर मिलेगा? अवश्य। मैं आपको वचन देता हूं महामहिम, कि आज मैं जो भी करने जा रहा हूं, मैं आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं। आप सदा मेरे लिए पूज्य हैं। हस्तिनापुर की परंपरा और व्यवस्था यदि आपके सम्मान का प्रतीक नहीं होती, तो मैं आपके अपमान का प्रण कभी नहीं लेता। जानता हूं पुत्र, मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं, किंतु तुम्हारे हृदय की भावना की प्रशंसा करता हूं। प्रशंसनीय तो कर्म होने चाहिए ना महामहिम, पर यह जगत जन्म को ही प्रधान क्यों मानता है? कर्म मनुष्य को सम्मान दिलाता है,
उसे शीर्ष तक पहुंचाता है। फिर जन्म जो हमारे हाथ में ही नहीं है, उसे क्यों आधार माना जाता है? मैं आज इस संसार को दिखा दूंगा कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से जाना जाता है। मैं आज सबको यह बता दूंगा कि जन्म नहीं, कर्म योग्यता की पहचान। मैं विराजी महामहिम पुत्र शोण, तुम्हारे भ्राता श्री का संकल्प दृढ़ है, यही समय है अपना कार्य सिद्ध करो, अन्यथा तुम्हारे भ्राता श्री की रक्षा असंभव हो जाएगी। शोर